तो पुण्य आत्माओं, ऐसे सत्संग में आने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन असर उनका है जो पुण्य आत्मा होती हैं, ये पत्थर और बांस के जैसे प्राणियों का नहीं हुआ करती। जिस घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा, वो तो पत्थर कैसे है, माड़ी ही घर्षण लग दे, नोए चिंगारी पाट रहे हैं। पुण्य आत्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा, हमारे बोलन और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चाले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं, उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम नाम उपदेश है, असर कति